माय यूट्यूब फैमिली, आज मेरा गर्दन में क्या हो गया? चोरनी चोरनी घुस गया है। हम जैसा है एक्चुअल बताओ, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन चोरनी घुस गया है। और मेरी मम्मी का कुछ टिप नहीं सुना, क्या 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 गुस्सा है मेरा गर्दन? ये वजह से मैं सब्जी काट रही हूँ। बहू का गर्दन इधर उधर नहीं हो रहा है, इसलिए वो काट दे तो अपना कुछ आराम कर दे। हम भी हमें पट्टी लेके बैठे हूँ गर्दन में बांधने के लिए दीदी के। मंद मंद बहुत दर्द दे रहा है यार, स्प्रे पहले कर देती। ठीक, अगर आप लोग बस कोई टिप्स ट्रिक्स है तो बताओ। मेरे महीने महीने क्या होता है ना, महीने महीने चोर नहीं घुसता है, उसको हमेशा चोर मार बे कभी पीठ में। देखो इतने पड़ी जब बता रही है सब्जी लाने के लिए। हेलो, मैं उतर में मैथा उतर में अपने ले लेंगे। इडली के सब्जी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मेरे बेटा का इडली बहुत पसंद है, इडली सांभर बनेगा। देवरानी सेवा कर रही जेठानी का, देवरानी सेवा कर रही है जेठानी की। अरे हफियार दीदी की गर्दन है, मम्मी देखते थे। हेलो, घुमाने में हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया ना। रिलैक्स ही है यार, कल से तो रिलैक्स। आज हमारे घर बन रहा है इडली सांभर एंड चटनी अगेन। सो इडली सांभर चटनी बना रही है ये लड़की। सो वीकेंड में मेरे घर में ऐसे बनता है नॉनवेज, बट आज अभी मम्मी का फेस्टिवल है, जीतिया है, तो इसलिए आज बन रहा है इडली सांभर एंड चटनी। वीकेंड में नॉनवेज बनता है या तो फिर इडली सांभर बनता है, साउथ इंडियन बनता है। अभी मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बाद में बताती हूँ आप सबको क्यों जाना पड़ रहा है। अरे मेरे बेटा, खूब समझते हो, सही पहना रही है बेटा, पापा की जैसा पहना। चलो गाड़ी निकल गया, बैठो बैठो, पीछे बैठ जाएंगे हम, डोंट वरी। हाँ गाड़ी चमक रहा है एकदम, सीट आगे करो बेटू, धूप बहुत ज्यादा है। जल्दी जल्दी में हम लोगों को आयुषी को फिर से डॉक्टर के पास लेके आना पड़ा। पता नहीं उसे कुछ चीज़ का एलर्जी हो गया है, पूरा बॉडी में रैसेस हो गया है, पुराने दुश्मन जो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए देखो ब्लॉग वाली कीड़ा है, इनको काट लिया है। डॉक्टर साहब बैठे नहीं है, सो हम लोग डॉक्टर साहब आने का वेट कर रहे हैं। बेटू देखो इधर, हेलो बोलो बेटू, बेटू बेटू किसी किसी कर दो ना, देते रही है यार बेटू। एक साबुन है, ये साबुन है। गर्दन में हिल डोल नहीं पा रहा है, सोने उठने के क्रम में नहीं, कल से हुआ था, कल थोड़ा कम था, सो के उठने से पहले से था। 50 है ही दो तीन ठो, तीन लेंगे लो दो ना, हो जाएगा। मलाई वाला, मलाई वाला कौन सा रहता है? बकल टाइप का, Thank you.
कितने का ये? 30 लगा, 30 ज्यादा बोल रहे भैया, 25 देगा, 20 देंगे। वो सब कैसे है भैया? डालने के लिए जो रहता है मिट्टी जो है खाद उसको बोलते हैं, वो मिट्टी है ना भैया? कितने का वो सब? एक पैकेट दे दिए वो भी, और कुछ देना है? हाँ ग्रीन लग रही है, रखिए थोड़ा कम दाम लगाइए जैसे लगा रहे हैं। एंड वो येलो वाला अड़हुल है ना, वो कितने का? ज़्यादा बोल रहे हैं भैया सबका दाम। हाँ सुंदर लग रहा है। और एक चीज़ देखे थे भैया, ये सब प्राइवेट कितने का? 250 पीस। बाय रैबी, बाय बाय कर दो, बाय रैबी। पूजा का पंडाल वगैरह बनना शुरू। यहाँ पर बोल रहा है कि लगेश्वर का भी तीन चार प्लांट खरीद लिया, आखिरकार हम लोग अच्छा अच्छा काम भी करने लगे, पेड़ पौधा भी लगाने लगे। क्या हो रहा है? खोलो, क्या कर? देखो आईसी को क्या हुआ था, इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप सबको। बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए बेटे पैदा के पैर। ओह गॉड, अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर। एंड आज था जितिया, क्योंकि हम लोग को उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव के साथ बहुत बुरा हुआ, या हमारे यहाँ कुछ खास स्पेशल नहीं हो रहा है। ऐसा मैं सोची थी कि कुछ खास या स्पेशल होगा तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट ऐसा कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा है। मैं बता नहीं सकती क्या हुआ था, बट बहुत ही बुरा हुआ। सो बस ऐसे ही, आज तो मैं दिन भर पूरा नहा भी नहीं पाई। एंड बस मम्मी बोली थी रेडी वेडी होना, कुछ खाना वाना अच्छा सा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हो पाया। सो एंड आप सब लोगों को देखा, ये उसी को पता नहीं पूरे बॉडी में रैशेस टाइप के कुछ मतलब दाना निकल गया था। सो आजकल कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाता है वो तुरंत। सो मुझे अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एंड अभी भी थोड़ा है। डॉक्टर बोला कंट्रोल हो जाएगा, एक तरह का इन्फेक्शन टाइप का कुछ है, एलर्जी। सो एंड आई उसी से डॉक्टर के पास से आते तो रास्ते में ही सो गई थी, एंड मैं भी थक गई हूँ यार, मूड थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए अच्छा कुछ खास नहीं होगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दूँ। एंड मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग बताओ यार उसका कोई इलाज। हमने दोनों ने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, तुमने व्रत के नियम का भली भांति पालन नहीं किया, मैंने किया। बेटे दीर्घायु होंगे, मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ, उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कोई बेटे सुंदर दीर्घायु बड़े बड़े राजा हुए। असुत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दीर्घ व्रत बताता हूँ, स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करो। जय माता। क्या की सारा काम ओ
जी बंद कर दिया तब ना घर काम कर रही है। क्या कर रहा बेटा? अब मम्मा का नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है पापा? बच्चू बम बम पैर में चिपका उठा के बच्चू बम बम चलो चलो तो मम्मा करने चलेगी मम्मा करने। चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा दूर के पूरी पकाए गुड़ के। कितना मस्ती आ रहा है। फिर बेटू को दिया प्याली में, प्याली गई फूट, बेटू गई रूस।